पुरानी मूवीज में से ये वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज है क्योंकि ना सिर्फ इस मूवी की डायरेक्शन है लेकिन जो स्टोरी राइटिंग है और ट्रीटमेंट है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है इस मूवी में जो कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ही नेचुरल तरह से दिखाया गया है कुछ भी बहुत ज्यादा ओवर द टॉप और एग्जेजरेटेड नहीं है और इतना अच्छा कैरेक्टर निभाया है सभी ने मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो कि है ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट का कैरेक्टर और शायद आप कैस कर ही चुके होंगे कि इस कैरेक्टर को डिस्कस करने के लिए मैं चूज करूंगी मूवी कथा क्योंकि इस मूवी के बारे में मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूं अपने बहुत पुराने नार्सिसिज्म के वीडियो में अगर आप अभी तक नहीं जानते थे तो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली जान जाएंगे कि फारूक शेख ने इस मूवी में निभाया है बहुत ही बखूबी कैरेक्टर एक ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट का ये मूवी जब बनी थी 1983 में तब आ, शायद नार्सिसिज्म के ऊपर इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी हो सकता है फिल्म की जो डायरेक्टर थी बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर साई परांज भाई उन्हें भी नहीं मालूम हो कि वो एक्चुअली जो कैरेक्टर दिखा रही हैं फारूक शेख के थ्रू वो एक ग्रैंडियोस नार्सिस का कैरेक्टर है एनपी टाइप्स जिसमें मैंने बहुत सारे नार्सिसिस्टिक टाइप्स का डिस्कशन किया था उसमें मैं ग्रैंडियोस नार्सिस जिसको हम गार्डन वराइटी या क्लासिकल नार्सिस भी बोलते हैं तो उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं उस पर्सनैलिटी के ट्रेट्स के बारे में यहां पर मैं सिर्फ फारूक शेख के कैरेक्टर को इस्तेमाल करूंगी उसका क्लियर एग्जाम्पल देने के लिए क्योंकि हाई गाइस वेलकम बैक वंस अगेन टू माई चैनल एंड टू अ ब्रांड न्यू वीडियो अंडर द सीरीज ये हील्ड होते तो कैसे होते जिसमें मैं डायसेक करती हूँ अलग अलग फिल्मी कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन्स को ताकि हम क्लैरिटी से समझ सकें हील्ड और अनहील्ड स्टेट्स के बारे में क्योंकि ये है चैनल जहाँ पर आपको मिलती है बहुत सारी ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल्फ वर्क एंड द ट्रू जर्नी ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन फारूक शेख के कैरेक्टर को जिनका नाम इस मूवी में बासु है वो यूज़ करके आपको बताऊंगी कि कैसे ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट अपने विक्टिम को ट्रैप करते हैं ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट की पर्सनालिटी किस तरह से अपने आप को दूसरों के सामने पेश करती है क्या ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट के मोटिवेशनस होते हैं किस तरह का बिहेवियर वो डिस्प्ले करते हैं और क्या उनकी इंटेंशनस होती हैं अनलाइक अ कोवर्ट नार्सिस जो ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओपनली चार्मिंग होते हैं स्मूथ होते हैं सुअ होते हैं बहुत ज़्यादा उनको लोगों को चार्म करना आता है दे आर स्मूथ टॉकर्स दे आर यूजली एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटीज दे हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप यानी कि बात करके लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाना है कैसे मस्का मारना है ये उन्हें बखूबी आता है और आपने अगर ये मूवी देखी है तो आप जानते ही होंगे कि ये सब बखूबी बाशु के कैरेक्टर में वो सिर्फ़ एक अपरचुनिस्ट हैं जिन्हें सबका यूज़ करना आता है तो सबसे पहले तो वो मूवी के स्टार्ट होते ही पहुंच जाते हैं अपने पुराने दोस्त के घर पे जो नसरुद्दीन शाह का कैरेक्टर है जिसका नाम मूवी में राजा राम है जो बहुत भोलू राम दिखाए हैं सीधे सादे इनोसेंट बहुत ज़्यादा अंदर से एक सेंसिटिव कैरेक्टर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले फेयर प्ले करने वाले लाइफ में तो उनके घर में ये पुराने भूले भटके दोस्त पहुंच जाते हैं जिनको उनकी शायद अभी तक याद नहीं आई थी लेकिन कुछ दिमाग में नई स्कीम आई होगी और लगा होगा कि ये एक बेवकूफ़ फ्रेंड है जो ऑब्वियसली बाउंड्रीज इस्टैब्लिश नहीं करेगा ठीक से तो मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ और उनको ज़्यादा कुछ आ, मेहनत करनी नहीं पड़ती है क्योंकि वो उन्होंने अपनी जो विक्टिम है वो बहुत अच्छे से चूज़ किया है बिकॉज राजा राम इज़ पॉसिस With, with very low self esteem or uh, बहुत ज़्यादा उनकी बाउंड्रीज जो हैं वीक हैं वो अपने लिए आ, खड़े नहीं हो सकते नो no बोलना क्या होता है ये तो उसकी उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं बहुत शाए हैं वीक थोड़ी सी पर्सनालिटी के हैं तो दिस इज़ लाइक द आइडियल काइंड ऑफ सप्लाई फॉर दिस ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट और वो थोड़ा सा उनसे मंत्रमुग्ध काइंड्स भी रहते हैं क्योंकि उनकी पर्सनलिटी उनको लगता है फारूक शेख की पर्सनैलिटी बहुत इंप्रेसिव है उनमें वो चीज़ें हैं जो कि राजा राम खुद में नहीं पाते हैं तो एनी anyway, वे एक पूरी uh, अच्छे से बसी हुई चौल में वो रहते हैं तो वहाँ पर ये बासु पहुँच जाते हैं और पहुँचते ही उसको अपने अड्डे की तरह बना लेते हैं वो उसके घर के ऊपर वो टेक ओवर कर लेते हैं जैसे कि उन्हीं का वहाँ पर राज है आम, उनके शर्ट्स ले लेते हैं उनकी चीज़ों पे अपना अधिकार जमाने लगते हैं और उनके बिहेवियर से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वो बहुत कम थॉट के साथ अपनी जो है वहाँ पर ढाक जमाना शुरू कर देते हैं उनको सेंसिटिविटी नहीं है कि, कि किसी और के घर में आए हैं तो कैसे बिहेव करना है बाउंड्रीज़ क्या है किस तरह से उनकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना है कहाँ पर उनके राइट्स हैं कहाँ पर उनको इंक्रोच नहीं करना है किस तरह से थाटफुलनेस दिखानी है लेकिन कुछ नहीं उनको पता है कि यहाँ पर उनकी बाउंड्रीज़ बाउंड्रीज़ बहुत वीक है दूसरे इंसान की तो वो आराम से धड़ल्ले से घु चले जाते हैं हाँ जो बाहर के लोग हैं जो राजा राम के नेबर्स हैं उसी चौल में इंक्लूडिंग संध्या विच द कैरेक्टर विच इज प्लेड बाय दीप्ति नवल जो जिसको राजा राम मनी मन लाइक करते हैं उन सभी बाहर के लोगों को राजाराम राम के नेबर्स को इंप्रेस करने के लिए वो काफ़ी एफर्ट करते हैं जेनुइन एफर्ट नहीं बस अपना एक चार्मिंग तरह से बात करके एक स्मूथ टॉकिंग करके अपनी पर्सनालिटी से इंप्रेस करके आ, क्योंकि वो स्टाइल में बात करते हैं थोड़े स्टाइलिश दिखते हैं थोड़े स्टाइलिश कपड़े आ, पहनते हैं बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं झूठ भी बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है उन्हें वहाँ पर एक बूढ़ी लेडी रहती होती हैं तो उनको मक्खन परोस परोस के खाना खिलाती हैं जो संध्या के वाले हैं वो उनसे वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं बासुके कैरेक्टर से इनफैक्ट उनके दिमाग में इवेंचुअली मैरिज भी चलने लग जाती है कि शायद हम अपनी बेटी की शादी इससे कर सकते हैं यह तो बहुत ही अच्छा मैच है जबकि जो उनके बाजू में इतने सालों से राजा राम रह रहा है उसको उ, उसकी क्या इंटेंशन है उसकी उन्हें ज्यादा खबर नहीं है और संध्या भी उनसे अट्रैक्ट हो जाती है बिकॉज अगेन अ टिपिकल ग्रांडियोस नार्सिस उनमें वो सब बातें करने की कैपेसिटी है सब स्टाइल मारने की कैपेसिटी है सब चाम करने की कैपेसिटी है तो बहुत ही फटाफट फट वो वो चीजें कर लेते हैं जो राजा राम बेचारे सालों से लगे हुए करने में वो लोगों से अच्छे बनते हैं लेकिन सिर्फ वहीं वहीं पे जहां उन्हें लगता है कि वो चाम करने से मीठी मीठी बातें करने से उनका कुछ फिलहाल का मोमेंटरी का फायदा हो सकता है और जहां पे उन्हें लगता है कि ये फायदा बिना उस इंसान को चाम करके होगा तो वहां चाम करने की भी जरूरत नहीं होती जैसे राजा राम को वो ज्यादा चाम भी नहीं करते और इतना वो दिल से सिंसियरली अपनी फ्रेंडशिप को निभाने की कोशिश करते हैं कि उनको वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट करना ही नहीं पड़ता इसलिए वो वहाँ पे चाम भी ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करते तो जहाँ चाँ करने की जरूरत है जहाँ मीठी बातें करने की जरूरत है वहाँ मीठी बातें करके जहाँ पे अपना इंटाइटल्ड एक्ट करके सिर्फ हक जमाने से ही काम चल जाएगा वहाँ पे वैसे कर सो so, जैसे मैंने बोला था कि जो ग्रैंडियस नार्सिसिस्ट है वो ऑफन एक पार्टी की लाइफ बन जाते हैं सारा क्राउड ड्रॉ करते हैं अटेंशन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इसी तरह का फारूक शेख भी सक्सीड कर जाते हैं इस चॉल में करने के लिए सारे नेबर्स उनके आसपास घूम रहे है, संध्या जो है उनसे अट्रैक्ट हो गई है उसने इस तरह की मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी देखी नहीं जो इस तरह से सोफिस्टिकेटेड हो हो चार्मिंग तो नार्सिसिस्ट जो है थोड़ी दबी हुई पर्सनैलिटी होती है थोड़े सिनिस्टर होते हैं इतना इजीली उनके बारे में पता नहीं चलता ग्रांडी ऑफिस जो है बहुत फटाफट मूव करता है तो वो अपना काम कैसे करवाना है लोगों को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करके उनसे बात करके उनको अपनी बातों में लाकर उनको अच्छे से आता होता है तो यही फारूक शेख करते हैं बहुत जल्दी वो अपने फ्रेंड राजा राम के घर से उनके ऑफिस तक भी पहुँच जाते हैं वहाँ पे जहाँ राजा राम आराम से धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ रहे होते हैं वहाँ पर वो पता कर लेते हैं कि उनके बॉस को क्या पसंद है एंड ही उट क्योंकि बॉस को गोल्फ खेलना पसंद है और वो कुछ इस तरह से प्लॉटिंग प्लानिंग करते हैं कि वो ये जो बॉस है वो उनको गोल्फ खेलते हुए देख लें और थोड़ी सी ऐसी बातें वो 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 करते हैं जिससे बॉस बहुत इंप्रेस हो जाता है एंड बड़ी जल्दी उस कंपनी जहाँ राजा राम काम करते होते हैं वहां पर अपने लिए ही गेट्स अ फुट इन द डोर बिना किसी इंटरव्यू के बिना कुछ और मेहनत किए और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी वो काफी कुछ फेंक देते हैं और सर्कमस्टांशली जो भी दिख रहा होता है उससे वो बॉस को लगता है कि हाँ ये सच बोल रहे हैं एंड ही इज़ ऑब्वियसली राइट पर्सन उनको वहाँ पे एक हाई फाई पोजिशन पर जॉब भी मिल जाती है बट ऑब्वियसली अगेन बींग नार्सिसिस्ट वो उनकी कुछ ज्यादा स्किल है नहीं एक्सेप्ट फॉर चार्मिंग पीपल झूठ बोलना आ, लोगों को इंप्रेस कर लेना अपने फायदे के लिए अपने बारगेन के लिए एक्चुअली कोई रियल नॉलेज नहीं है कोई रियल स्किल नहीं है उनकी स्किल यही है ये वाले तिगड़म लड़ाना तो अब जब उन्हें काम मिल जाता है लेकिन काम करने की ऑब्वियसली उनमें स्किल नहीं है ना पेशेंस है ना नॉलेज है ना पैशन है उनका तो पर्पज सिर्फ एक उसदे को एक सीढ़ी की तरह यूज करना है वहां पर बॉस को या अपने फ्रेंड को या बाकी सारे लोगों को एक सी की तरह यूज करना है ताकि वो और आगे बढ़ सके जो भी उनका एजेंडा है चाहे वो पैसा कमाना इजी मनी इजी लाइफ या मोर पावर तो अब इसमें भी वो सेटल नहीं होते हैं काम तो कुछ करते हुए वो दिखाते नहीं हैं ऑफन ऑफिस में आते ही नहीं है वो उन उनको लगता है बस मस्का मार के जब जब तक काम निकल रहा है तो निकलते रहो ही इज़ टू इम्पेशन टू डू ऑल दीज थिंग्स बहुत रेस्टलेस पर्सनैलिटी है नेक्स्ट 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 का सोच रहे होते हैं नार्सिस जो अपनी अपना सर्कल जो है अच्छे से देखता है कि कौन सा सर्कल है जहाँ पे उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कौन सा सर्कल है जिसमें उसको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ uh, मिल सकती है पावर की गेन की सप्लाइज़ uh, की तो वो अपने बॉस के घर पार्टी पे भी पहुँच जाते हैं जिस पार्टी में शायद राजा राम को कभी नहीं बुलाया गया ना बुलाया जाएगा ही स्टार्ट्स फ्लर्टिंग विद हिज़ बॉस इज वाइफ तो ये अगेन ट्रिपिकल जो है आ, एक नार्सिस का कैरेक्टर है ग्रैंडियस नार्सिसिस का वो ना सिर्फ अपनी बॉस की वाइफ से फ्लर्ट करना शुरू हो जाते हैं स्टार्ट्स हैविंग अफेयर विद बट ही आल्सो ट्राइज़ टू फ्लर्ट विद द बॉसिस डॉटर और वहाँ पर वो जो संध्या है उसको तो वो बुद्धू बना ही रहे होते हैं उसको वो होटल में भी ले जाते हैं ही ट्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ हर तो बेसिकली तीन अलग अलग विमेन के साथ वो इस तरह का कुछ इन करने की कोशिश कर रहे हैं फ्लर्ट कर रहे हैं उनको लीड ऑन कर रहे हैं जबकि उनकी कोई सीरियसनेस नहीं है और तीनों ही विमेन जो है वो उनको गलत लीड कर रहे हैं बिकॉज एक तो ऑब्वियसली उनका दोस्त उसको लाइक करता है और दूसरा जो है वो उनके बॉस की वाइफ है और उनके बॉस की बेटी है तो वो मॉरल कॉम्पस नहीं है कोई एथिक्स नहीं है कोई बाउंड्रीज नहीं है कोई अपने बिहेवियर पर रेगुलेशन नहीं है कोई सेल्फ चेक नहीं है कोई कैरेक्टर में इंटे एग्रिटी नहीं है आँ... जो भी उन्हें करना है जितना भी इनप्रोप्रियट हो एज लॉन्ग एज लोगों को पता नहीं चल रहा है एज लॉन्ग एज उनकी बाहर की इमेज परफेक्ट आ रही है अच्छी बनी हुई है चार्मिंग बनी हुई है पूरी तरह से ये सेल्फिश दिखाए हैं वैसे तो अपने आप को बहुत वेल well ब्रॉटअप दिखा रहे हैं बहुत वेल well ऑफ दिखा रहे हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड दिखा रहे हैं बहुत पढ़े लिखे दिखा रहे हैं लेकिन फिर भी आते ही अपने दोस्त के छोटे से घर में चौल में उसकी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर विदाउट इवन टेकिंग परमिशन कि क्या मैं ये यूज़ कर लूँ ऐसे बॉरों करना हो तो वो उसे पैसे उधार मांगते जाते हैं मांगते जाते हैं विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन कि उस पैसे को वापस करने की उनकी इंटेंशन होती ही नहीं है तो उनके अंदर कोई जो है अगेन मॉरल चीज ही नहीं है वो ट्रस्ट वर्दी बिल्कुल नहीं है वो बैक स्टैप कर रहे हैं लोगों को वो उनका गलत फायदा उठा रहे हैं वो सिर्फ अपना आ, फायदा देख के लोगों को जहां जहां मोहरा बना के इस्तेमाल हो सकता है इस्तेमाल कर रहे हैं वो दो बार सोचते भी नहीं हैं संध्या का गलत इस्तेमाल करने से पहले इस आइडिया में कि ऑब्वियसली वो वो उसमें सीरियसली इंटरेस्टेड है उससे अल्टीमेटली शादी करेंगे उसको वो होटल में ले जाते हैं वो सीधी शादी होती है एज एज सेट की उनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड होती है उनको लगता है ये ज्यादा मॉडर्न है इस तरह से ही शायद होता होगा वो उनके साथ में चली जाती है एंड ही एंड हर हेक्चुअली अगेन बिना इतने से भी ब्रेक ऑफ कॉन्शियंस के उनको ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे उनके साथ दोस्ती करने से या उनके साथ अफेयर करने से या उनको काम देने से जो है लोगों का बड़ा फायदा होगा और वो एक बहुत सही इंसान के साथ डील कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली अंदर से बिल्कुल खोखले हैं ना उनकी वो स्किल है जो वो दर्शा रहे हैं ना उनके अंदर वो टैलेंट है जो वो दर्शा रहे हैं ना वो नॉलेज है और ना वो ऑब्वियसली इंटेग्रिटी या ट्रू अफेक्शन है उन लोगों के प्रति तो कुछ भी अंदर से जेन्युन नहीं है सब खाली है सब खोखला है जैसे एक नार्सिसिस्ट को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता उसके अंदर एम्फ्थी नहीं होती ज़ीरो सेंसिटिविटी होती है फॉर अदर पीपल बिल्कुल वैसा ही उन्हें दिखाया गया है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी हरकतों से उनके झूठ से उनके एक्सप्लाइटेशन से उनके दोस्त को कितना दुख हो रहा है या उसे उस पर कैसा असर पड़ रहा है या संध्या पर कैसा असर पड़ रहा है उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है एंड uh, जैसे कि मैंने कहा था कि एक नार्सिसिस्ट की बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी होती है किसी एक जॉब को पकड़ के रहने की क्योंकि ऑब्वियसली जिसमें कोई क्षमता नहीं है स्किल नहीं है पेशेंस नहीं है किसी चीज़ में डीप जाने की अबिलिटी नहीं है वो कितने समय एक जॉब निकाल पाएगा क्योंकि कभी ना कभी तो सच सामने आएगा वो एक्सपोज होगा या उसको उससे एक्सपेक्ट होगा कि आप मेहनत करें या आप रिजल्ट्स लाएं और वो उसके बस की बात नहीं होगी इसलिए उसकी एक्चुअल जो कैपेसिटी है एक स्मूथ तरीके से एक जॉब को पकड़ पाने की वो बहुत कम होती है और यही आ, ये मिस्टर बासु के साथ भी होता है इवेंचुअली क्योंकि वो इतनी फास्ट पेस से दौड़ रहे हैं लोगों को रोनते हुए लेफ्ट राइट स्मूथ खिलाड़ी की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कभी ना कभी तो उनका भांडा फूटता ही है वेन ही इज़ ट्राइंग टू फ्लर्ट विद हिस बॉसिस वाइफ जिनके साथ वो साइड पर अफेयर चलाते हैं तो बॉस की बेटी उन्हें चुपचाप से लेती है उनकी पिक्चर्स आई थिंक खींच लेती है और वो आ, उनके बॉस को यानी कि अपने फादर को भेज देती है एंड उनको फायर कर दिया जाता है तो इंसान सोचेगा कि इनको फायर कर दिया गया है तो अब शायद ये सुधर जाएंगी अब उनको मोटिफिकेशन होगी ह्यूमिलिएशन होगी लेकिन इस तरह का मूवी में नहीं दिखाया गया है ये मूवी थोड़ी सी रियलिस्टिक दिखाई गई है क्योंकि ग्रैंडियोस नॉर्सिस जो है वो अपनी जो लॉसेस हैं वो जल्दी से कट करता है अगर उनको फटाफट नेक्स्ट एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो उस अपॉर्चुनिटी को फटाफट पकड़ देगा और ऐसा ही यहाँ पर कुछ करते ये नहीं तो ये सही तो नहीं तो तू सही तो मूवी मूवी में यही दिखाते हैं कि उनकी एंगेजमेंट तय करती जाती है संध्या के साथ एज एक्सपेक्टेड वो एंगेजमेंट के दिन पहुंचते ही नहीं है बेसिकली वो संध्या को अबैंडन कर देते हैं और यहाँ पर उनका उनके जो बॉस है उन्हें फायर कर चुके हैं राजा राम को भी उनके बारे में आइडिया लग चुका है तो वो सब लोगों का दिल तोड़ के अपना कई मिडल ईस्ट में जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली जैसे पहले इस बॉस को फंसाया था जी वैसे ही ऑफिसली उनकी पर्सनालिटी यूज करके उन्होंने अपने झूठ यूज करके अपना शातिर दिमाग यूज करके ऐसी कहीं और अपॉर्चुनिटी पकड़ ली होगी अब वो मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं वहां पर भी यही सारी हरकतें करेंगी कि अपना कुछ ना कुछ एजेंडा आगे चलाने के लिए इज वेरी वेरी टिपिकल फॉर अ ग्रैंडियोस नार्सिसिस तो ये बात समझिएगा कि आगे उनके साथ फिर सब अच्छा ही होता रहेगा क्योंकि कभी ना कभी तो जैसे यहां पर गिरे हैं वो केवल दोबारा गिरेंगे ही ग्रैंडियोस नार्सिसिस क्योंकि जो झूठ का पुतला है, वो हमेशा नहीं आ, बना रह सकता है और हो सकता है कभी ना कभी इतनी बुरी तरह से गिरे कि फिर दोबारा उठने में बहुत ज्यादा समय हो या हो सकता है वहाँ पे, बहुत बड़ा कांड कर दें ऐसा जिससे उनके लिए निकलना ही इतना आसान नहीं हो इतना स्मूथ नहीं हो जितना लास्ट चांस में हुआ था तो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो जो है ऑडियंस की इमेजिनेशन पर छोड़ दिया गया है तो सभी लोग जो उनकी बातों को उनकी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी को उनका सच मान के उनके स्पेल के अंडर आ गए होते हैं वो सभी आई एम श्योर कुछ को दिखाते हैं कुछ को नहीं हके बक्के रह गए होंगे जब उनको पता चला होगा असलियत क्या है और जिन्होंने शायद बहुत ज्यादा अपने आप को अब्यूज होने दिया एक्सप्लॉयट होने दिया अलग अलग तरीकों से ऑफन जब सच पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता है या कभी कभी जल्दी समझ आ जाती है और डैमेज कंट्रोल जल्दी किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली आपकी उस ग्रांडियोस नार्सिस से रिलेशनशिप कैसी थी इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस मूवी में बासु के रिलेटिवली जल्दी पकड़ में आ जाने से बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा डैमेज कंट्रोल हो जाता है वो डैमेज जो कि अगर बासु उनकी जिंदगी में अलग अलग रोल्स में और लंबा थोड़ा बने रहते तो बहुत ज्यादा हो जाता यहाँ पर चौल में संध्या के रेस्क्यू में तो खुशी खुशी आ जाते हैं राजा राम और वो बन जाते हैं उनके दूल्हा और आ, सारी चीजें ठीक हो जाती हैं जो चौल के लोग हैं उन्हें आ, बासु के असली कैरेक्टर के बारे में अंदाजा लग जाता है कि जो सुहाना दिखता है जरूरी नहीं वो असली में अंदर से सुहाना हो और ये एक बहुत एप्ट चीज है ग्रैंडियोस नार्सिसिस के लिए गार्डन वैरायटी नार्सिसिस के लिए कि जरूरी नहीं जो चीज बहुत चौंधिया रही हो चमक रही हो वो बहुत ही बेहतरीन चीज हो तो वेल यही तक था मेरा आज का वीडियो ये डायसेक्शन और कैरेक्टर एनालिसिस का एग्जाम्पल आपको कैसा लगा और क्या आप इसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर पाएंगे आगे इस तरह के नार्सिस को बेहतर पहचानने में ये मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा और एक बात ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जिसकी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हो वो अंदर से नार्सिसिस्ट ही हो या खोखला ही हो लेकिन हाँ इस बात का ध्यान हमेशा जरूर रखिएगा कि अगर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है तो सिर्फ उसकी आउटर पर्सनालिटी से ही पूरी तरह से स्पेल बाउंड और ओवर इम्प्रेस मत हो जाइएगा उसका ऑथेंटिक कैरेक्टर कैसा है वो कितना ट्रस्टवर्दी है आपकी सच में अफेक्शन के लायक फ्रेंडशिप के लायक ट्रस्ट के लायक है कि नहीं ये जरूर परखिएगा इससे पहले कि आप उस इंसान को अपनी इनर बाउंड्री में आने की इजाज़त दें यकीन मानिए ऐसा करने से आप अपने लिए ही वो डैमेज होने से शायद रोक रहे होंगे जो ऐसा नहीं करने से डेफिनेटली हो सकता है